हेलो गाइस, तो कैसे हैं। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट की। तो आज कुछ इस तरह का थंबनेल हम बनाना सीखेंगे आज की वीडियो में। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और लाइक कर देना है वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आपने पहले कर देना है पावर पॉइंट को ओपन। ओपन करते ही आपने एक चूज़ कर लेनी है एक स्लाइड, जो कि ब्लैंक स्लाइड लेनी है। पहले आपने ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद उसकी करना है हमने पेज सेटअप, जो कि हमने थंबनेल का साइज रखना होता है। इस तरह आप एक डिज़ाइन ऐड कर सकते हो, अगर चाहो तो कोई भी ऐड कर सकते हो, पर आज हम कुछ नए तरीके से कुछ बनाएंगे। तो पहले हम करते हैं इसकी साइज़। तो जो थंबनेल की साइज़ होती है 16x9 यूट्यूब की साइज़ होती है वीडियो की। तो हमने कर दिया ओके, ये हमारे स्लाइड हो गए तैयार। हम इस टाइटल के टाइटल को कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद हम इसे करेंगे एक शेप एड। आज पूरा थंबनेल मतलब शेप के ज़रिए हमने बनाना है। तो इंसर्ट में आके शेप में इस तरह के एक शेप आपने ड्रॉ कर देनी है पूरी स्लाइड पर, तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ। फिर ये थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है, और एडजस्ट करते ही इसको हमने दे देनी है एक कलर, शेप फॉर कलर। तो फॉर्मेट में आके शेप फिल में आया, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हो। जिस तरह मैं कोई भी एक कलर दे देता हूँ, मुझे एक कलर देना है ये, तो एक में ये नहीं, तो आपने कोई भी एक कलर ले लेना है। मैं पसंद कर रहा हूँ अपने, ये कलर अच्छा लगा मुझे तो मैंने ये कलर ले लिया। तो अब हम इस पर करेंगे कुछ शेप्स ऐड और कुछ टाइटल लिखेंगे हमारे थंबनेल का। तो चलिए वो करते हैं। तो आपने इस तरह के एक शेप ले लेनी है गोल किस्म की। तो इस तरह से आपने अपने जो स्लाइड पे ड्रॉ कर देनी है जितना आप चाहो। मैं थोड़ी सी इतनी एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। अब ये मैंने कर लिया है इसको ड्रॉ। अब हम इस पर ऐड करेंगे कोई पिक्चर जिसका आप व्लॉग बना रहे हो किसी चीज़ का, तो उसके आपने पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी है इसके अंदर। वो कैसे ऐड करनी है मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे शेप ड्रा करने के बाद शेप फॉर्मेट में, फिर शेप फिल, फिर आप कोई भी एक पिक्चर चूज़ कर लो जिसका आपने व्लॉग बनाना है। तो मतलब जिसका आप थंबनेल बनाना है व्लॉग का, तो कोई भी एक पिक्चर ऐड कर लो। मैं यहाँ से वो जल्दी जल्दी कर लेता हूँ कोई भी एक पिक्चर। अच्छा, तो मैंने एक ये पिक्चर ऐड कर ली है। मैंने अपने फील्ड का व्लॉग बनाया है इस बार, तो मैं वो फील्ड का एक फ़ोटो जो है वो ऐड करूँगा। इस तरह से कुछ एडजस्ट कर ले और इस तरह से। फिर अब आपने करना है बाकी के शेप्स ऐड, जिस तरह मैं भी करने लगा हूँ एक गोल शेप्स थोड़ी जी इतनी सी ड्रॉ करके। ये मतलब कुछ अच्छा सा लुक देंगे थंबनेल को। तो इस तरह से कुछ ऐड करके फिर इसका कलर देना है लाल, क्योंकि ये लाल इस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह के आपने इसकी कॉपी भी कर लेनी है, क्योंकि हमने ये इस तरह दो चाहिए। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस सी से इस शेप का, फिर मैंने दूसरी लगानी है। तो इस तरह मैं एक कॉपी कर लेता हूँ इसकी, वो हमने लगाना है बिल्कुल नीचे यहाँ पे इस जगह। आप अभी अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो मैंने लगा लिया इधर। अब हमने ऐड करना है कुछ टाइटल्स जो मैंने थंबनेल के हैं। इस तरह से आप फिर से एक शेप ले लेनी है, और शेप ड्रा करने के बाद आप कहीं भी रख सकते हो एडजस्ट करके। तो इस शेप को हमने ऐड देना है कलर और आउटलाइन हटा देनी है। तो हम क्या करके जाते हैं शेप फॉर्मेट पे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले अपने हिसाब से। शेप फिल में आ गए, तो इसका भी हम दे देंगे रेड कलर, और शेप आउटलाइन बिल्कुल हटा देनी है यहाँ से। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा टाइटल करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के नाम के एक है शेप वो ऐड कर लें, और उसके हमने यहाँ पे लिखना है 1 मिलियंस व्यूअर्स है, जैसे थंबनेल में होता है एक हैशटैग, तो हमने वो लगाना है इधर। ये मैं एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, तो ये ऐड करने के बाद हमने अब हमने लिखना है अपने थंबनेल का टाइटल जो भी है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ट्रेवल व्लॉग, तो ये एक ट्रेवल मतलब मैंने फील अपने कुछ घूमी है उसका व्लॉग है, तो मैं ट्रेवल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से आपने कुछ एडजस्टमेंट कर लेनी है। मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
तो आपने इस तरह से कुछ टाइटल अपने लगा लेना है, जो भी अपना व्लॉग का थंबनेल बनाना चाहो। जैसे मैंने ये ट्रेवल व्लॉग लगा लिया है, और नीचे लगा लिया है अराउंड द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन माई फील्ड। तो इस तरह से कुछ टाइटल आप ऐड कर सकते हो इस तरह से, और उसको आप जहाँ भी एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद हमने करनी है और एक और शेप हमने यहाँ पे लिखना है सब्सक्राइब, और उस पर एरो भी लगाना है जैसे कि थंबनेल में होता है। तो हमने वो लिखना है अभी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए, हमने यहाँ पे लिखना है सब्सक्राइब, ठीक है। तो फिर इसको कलर दे देना है शेप को, और अपने फॉन्ट को भी वाइट कलर देना है हमने। तो इस तरह मैंने ये दे दिया वाइट को शेप फिल, आउटलाइन को हटा देना है, इसको दिया रेड कलर, और हमने शेप को लगाना है। फिर टेक्स्ट को देना है वाइट कलर। अच्छा, तो ये सब्सक्राइब हो गया। अब मेन बात यह है कि हमने इसके ऊपर एरो कैसे लगाना है, मतलब इस शेप के ज़रिए। तो हम यहाँ पे एक एरो की शेप है वो हम लेते हैं। तो ये ए शेप लेने के बाद हमने इस तरह से कुछ ड्रॉ कर देना है इसे। फिर इसको हमने थोड़ा सा करना है एडजस्ट, क्योंकि ये इस तरह है तो हमने बिल्कुल भी इसको सही से लगाना है। तो कैसे लगाएंगे आप देखना, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ ना वही आपने यही करना है, क्योंकि ये शेप इस तरह से ही ऐड हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा अपने एडिट पॉइंट के ज़रिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा, तो जिस तरह मैं कर लेता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी। तो एरो इस तरह से कुछ सेट करके आपने एक शेप है इस तरह की ऐड कर लेनी है, और ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आपने शेप के ज़रिए इसको बाकी जो हिस्सा है वो आपने हाइड कर देना है। तो शेप ने आपको सेम कलर लगाना है जो हमने थंबनेल में लगाया है। तो थोड़ा फोटो से इधर एडजस्ट कर लो और सीधा कर लें। फिर अब देखो सिर्फ एरो नज़र आ रहा है, तो एरो कम देते हैं ब्लैक कलर, और आउटलाइन हटा देते हैं। तो ये एरो देखें देखें परफेक्ट हो गया। तो हम बाकी के टाइटल ऐड करना है यहाँ पे। तो बाकी के हमारे तब सब काम हो गए, अब बस एक काम रह गया है हमारे चैनल का नाम जो है हाईलाइट करना। तो आपने अपने चैनल का नाम इस तरह से कुछ ले लेना है, जिस तरह एक शेप ऐड करके फिर शेप को कलर देके जो भी कलर देना चाहो, मैं तो सारे शेप को रेड कलर दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपने रेड कलर दे देना है, और अपने चैनल का जो भी नाम है, जिस तरह ये मेरा नाम है जेड आर शॉर्ट्स एंड व्लॉग्स, तो वो लिख के ज़रा मैं इधर एडिट करता हूँ लाइन की शेप के अंदर। तो फिर इस फॉन्ट को कलर देंगे वाइट, क्योंकि रेड पे वाइट से ही नज़र आता है। तो बाकी का हमारा सारा काम हो गया, इसको कर लेते हैं एडजस्ट। तो हमारा तकरीबन थंबनेल हो चुका है तैयार। अब हम इसको कर रहे हैं सेव। सेव एज में जाके हमने यहाँ पे करना है जेपीईजी, क्योंकि हमारा थंबनेल है। तो जेपीईजी फॉर्मेट हम चूज़ करेंगे, और फिर अपने डिवाइस में किसी भी लोकल डिस्क में आप सेव कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मज़ीद इस तरह के वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।